अस्सलामुअलैकुम भाइयों, हमारा अभी टूर है गोरख सिंध दादू का। इस वक्त हम नूरानी क्रास में खड़े हैं। जलील भाई हमारे साथ है और पीछे हमारा नया दोस्त है असगर भाई। भाई जान, हम लोग तकरीबन दो घंटे में हबचौकी से यहाँ पहुँच गए तुर्रे जी मोड़ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोर्ड लिखा हुआ है इधर, समझे ना। अभी आगे हमारा सिंध तकरीबन मजीद हमारा 8 घंटे का रास्ता है और ये जलील भाई भी हमारा साथ आया हुआ है। क्या बोलते हो, सफर में मजा है? नहीं सफर में मजा है, उसे 2 घंटे में वहाँ से खींच खींच के आ रहे, स्टॉप नहीं किया चुकी थी यहाँ तक। बहुत स्पीड में है, बहुत स्पीड में है। रास्ता में 2 बाइक है, उसका डबल सवारी है, मैं सिंगल हूँ, मेरे पास सामान वगैरह है। टक 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 टक, नायक नहीं कल नायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू, इस प्यार की तुझको क्या खबर, इस प्यार की कहां लायक है तू। टक 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 टक, नायक उस्ताद क्या कर रहे हो भाई? क्या करे भाई, जंगल में मजे ले रहे हैं और अभी हम लोग का मजीद सफर है। देखिए, पुराने फौजियों की तरह किया अपने आप को हम लोगों ने। ये सामने सीधा रास्ता जा रहा है गोरख के लिए। इस वक्त टाइम हो गया है 5:02, 1.5 घंटे में टिक्को बारन के चढ़े क्रॉस करेंगे। वहाँ पे अपना दूध पत्ती चाय बनाएंगे, नमकीन बिस्किट खाएंगे, फिर वहाँ पे जो ना कुछ वो करेंगे। क्या करेंगे? चले चलते आगे भाई, मैं जाता हूँ अपनी बाइक के पास। इस वक्त खीरतर के पहाड़ के ऊपर है, हम लोग को बहुत सर्दी लग रहा है। जलील भाई ये देखो, सूरज गुरूब हो गया है, वहाँ पे थोड़े तारे भी नजर आ रहे हैं, अंधेरा हो गया। और ये हमारा दोस्त को बहुत सर्दी हो रही है। हम लोग बहुत बुरा फंस गए, झाड़ियों के बीच में बैठे हैं भाई, ना माचिस कुछ भी नहीं है। इम्तिहान मुश्किल है, हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है, आगे देखो क्या होता है, आगे उतराइए। भाई हम जंगल में बैठे हैं, हम लोग को सर्दी हो रहा है, ये माल्टा कार है हम लोग। ये जलील भाई सामने बैठे हैं, माल्टा कार है, ये पहाड़ी के ऊपर में बैठे हुए। मामा को बड़ा सर्दी, मामा गफर को सर्दी हो रहा है, इसको मैं छुपाने का कोशिश करता हूँ। सर्दी है उसे, बाकी सर्दी बहुत है भाई। ये स्पेशल माल्टे स्टिंग का बोतल, पानी का बोतल हमारे साथ है। सफर कितना है? सफर भाई स्लो स्लो भी जाएंगे ना, यहाँ से गाजी शाह, फिर भी स्लो स्लो हम लोग को 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा गाजी शाह। इस वक्त हम टिक्को बारन में चढ़ाई के ऊपर बैठे हुए और हम काफ़ी थक चुके हैं, आप चुकी से निकले, यहाँ तक बड़ा सफ़र किए, सिर्फ हम लोगों ने 2 स्टॉप किए। और इंशाल्लाह ताला हम स्लो स्लो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, फिर स्लो स्लो चलते जहाँ तक रात को 10 बजे तक हम गाड़ी चलाते हैं, वहाँ जहाँ पे थक गए फिर उधर ब्रेक मारेंगे। सारा रात सफर करने के बाद इस वक्त हम इधर गाजी शाह के इलाके में, नई इलाके में बैठे हुए होटल में। ये हमारा दोस्त है मजार खान मरी, सारा रात इसने हमारा खिदमत की है। भाई भाई तकलीफ माफ करना भाई, क्या हाल है, खैरियत ठीक ठाक, मजे में, तबीयत सही? दुकान है ये, इसका होटल है ये, इसका बंदूक है ये, इसका जंगल में बंदूक है, रूसी 12 बोर, और ये हम लोग चाय बनाया। सारा रात सफर करने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं नई इलाके में और हमारा अगला सफर है गोरे कलर स्टेशन। सफर करने के बाद इस वक्त हम नई केला के इस पुल के नीचे खड़े हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम स्टॉप करके जो ना मुआद धोएंगे, फिर निकलेंगे गोरख की तरफ। जलील भाई क्या बोलते हैं, बाल देख कैसा हो, चिपक गया है, लूमार बांधा है, फुल चिपक गया बाल। सफर में मजा आ रहा नहीं? मजा क्यों नहीं आएगा सर, लंबा सफर इसमें। सारा रात जंगल में सफर किया, रास्ते में एक होटल में ठहरा था जो आपको हम लोग ने जगह दिखाया था। अभी मजीद जाएंगे आगे, हमारा ये
इस बाइक का जो ना वो क्लच प्लेट काम छोड़ दिए, अभी हम इसमें क्लच प्लेट नया डालेंगे, उसके बाद गोरख के पार्ट पे क्योंकि चढ़ नहीं सकते, इसमें क्लच प्लेट नया डालेंगे फिर सफर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद, अल्लाह हाफिज़। सेंटर पहुंच चुके हैं, हमारा गाड़ी का क्लच प्लेट काम कर दिया और कोशिश कर दिया से गाड़ी में क्लच प्लेट डालेंगे फिर गोरख के लिए निकल जाते। भाई इस वक्त निकले गोरख के इलेक्शन के सफर पे, हमारे कुछ साथी पीछे, हमारे दोस्त जलील भाई गोरख का बार में चल रहा है और खतरनाक बाढ़ है, इसका इम्तिहान मुश्किल है, हौसला बुलंद है, अभी आगे देखते क्या होता है। यह है गोरख का खतरनाक कावर लग, आप देख सकते हो जलील भाई हम लोग करे, हमारे बाकी साथी सब पीछे हैं। वाह वाह, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े। ओहो हो वाह भाई वाह, मामा कैसा है गोरख में, मजा आ रहा है? नहीं हाँ दो दिन मुशक्कत के बाद आखिरकार हम गोरख ग्लेशियर स्टेशन के टॉप पर पहुंच गए और हम लोगों को बहुत सर्दी हो रहा है, कोई बंदा थका हुआ है, किसी का जो ना वो क्या बोलते हैं चाय के मजे ले, चाय पी रहा है मजे ले रहा है, मुल्ला बेचारा पैदल आ रहा था। सूरज निकला है 2023 का पहला सूरज निकल रहा है, देख सकते हो भाई गोरख स्टेशन के ऊपर हम बैठे हैं। इस टाइम गोरख में काफी रश है, मैं और उस्ताद जा रहे हैं ऊपर पॉइंट पे, अब देखो लोग बहुत ज्यादा यार, रश बहुत है, पिछली बार हम आए तो कुछ भी नहीं था।
को लास्ट टाइम आया मुल्ला, अभी 1 बजे पहुंच गया, हमारा साथ टूर में नहीं था, ये लास्ट टाइम आ गया ये भाई। अब जो किसा ये भी रात को 1 बजे इधर पहुंच गए, अभी हम लोग के साथ वापस आएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह। सामने राजू भाई बैठा हुआ है, उसको सर्दी लग रही है, तौलिया वहां से साथ लेके आया। Ha ha ha.